डॉक्टर सुभाष मेहता, लगभग 30 वर्षों से मैं शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ। सीनियर सर्जन राजस्थान कोटा में अपना परामर्श एवं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि काफ़ी संख्या में लोग ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी कि मल द्वार से रक्तस्राव होने की बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में चूंकि लोग शर्म के कारण नहीं बताते हैं, इसलिए कई बार यह सीवियर एनीमिया के रूप में प्रस्तुत होता है। जिस अधिक रक्तस्राव शौच के स्थान से होने के मेन तीन कारण होते हैं, पाइल्स, फिशर, फिशुला एवं कैंसर। इसमें फिशर जो पाया जाता है वो सबसे अधिक है। फिशर में व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है तथा लेटरिन जाते टाइम ब्लीडिंग एवं दर्द दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा पाइल्स है, पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है और वह ब्लीडिंग लेटरिन जाने के बाद टपके 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 पड़ती है। फिशुला के अंदर लेटरिन के रास्ते के पास में एक छोटी फुंसी होती है, उसमें से ब्लड निकलता है और साथ ही पस डिस्चार्ज होता रहता है। चौथा होता है वह है कैंसर। इसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ही कम होता है। इन चारों परिस्थितियों में व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पहली चीज, ये क्यों होता है, इसका कारण। पहला कारण तो है पाइल्स और फिशर का हेरिडिटरी। दूसरा कारण है अधिक मिर्ची का सेवन। तीसरा, बहुत ज़्यादा कब्ज़। कब्ज़ का मुख्य कारण आजकल भोजन की शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। पहले लोग हरी सब्जी, फल इत्यादि का सेवन बहुत करते थे, पैदल घूमते थे, पानी भी खूब पीते थे, इसलिए कब्ज बहुत कम होती थी। लेकिन आजकल व्यक्ति का लाइफ सेडेंट्री लाइफ हो गई है। ज़्यादातर समय बैठा रहना, गाड़ियों का उपयोग करना तथा मैदा से बनी हुई चीज़ें अधिक खाना, जिसमें फास्ट फूड खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, इनको जितना अधिक खाएंगे, जूस पीना है। जूस कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। जहाँ तक व्यक्ति फल, सेलुलोज फाइबर्स और इनका सेवन नहीं करेंगे, वहाँ तक कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। कब्ज़ ज़्यादा होने के कारण से ये बीमारियाँ अधिक पाई जाती है। फिशुला एक लेटरिन के रास्ते के बाहर एक क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है और एक ट्रैक्ट बन जाता है, उसमें बार बार पस और मवाद निकलता रहता है। इन तीनों ही परिस्थितियों में कोई भी दवा विशेष कारगर नहीं होती है। बचाव इसके लिए मुख्य यही है कि कब्ज़ न होने दें और होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। इसमें पाइल्स, फिशुला, भगंदर, इसको हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीम हकीम इसमें कार्य कर रहे हैं और वो लोगों से बहुत मोटी रकम ऐड करके और इलाज भी उसका सही नहीं कर पाते। कई लोग इसमें एसिड लगा देते हैं, कई लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, मैंने भी हजारों पाइल्स के ऑपरेशन कर दिए हैं, अधिकांश पाइल्स के ऑपरेशन में एक दिन में छुट्टी हो जाती है, व्यक्ति आराम से घर चल जाता है। 5-6 दिन की तकलीफ होती है, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स की में ऑपरेशन ही सबसे ज़्यादा कारगर है। इसकी कई विधियाँ एलोपैथिक में अब आ चुकी है। एक तो क्लासिकल हेमोरेडक्टोमी, कुछ लोग रिंग एप्लीकेशन भी करते हैं, कुछ लेज़र से कर रहे हैं और एक स्टेपलर टेक्निक जो थोड़ी महंगी है वो भी आ गई है। लेकिन इन सभी टेक्निकों में से सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। साथ यदि बाद में व्यक्ति ये ध्यान रखे कि कब्ज न होने दे तो रिकरेंस के चांस बहुत कम है। फिशर में भी कब्ज यदि नहीं हो तो रिकरेंस के चांस बहुत कम है। जो दवाएं काम में हम इसमें लेते हैं
उन दवाओं का टेम्परेरी आराम तो मिल जाता है, लेकिन जब वापस कब्ज अधिक हो जाती है या भोजन की अनियमितता हो जाती है तो उसको वापस प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इन तीनों बीमारियों में विशेष रूप से सर्जरी ही कारगर है। इसलिए जो भी लोग इनसे पीड़ित हैं वह शर्म न करते हुए जरा सी भी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरी चीज, कई बार फिशर की प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है एवं डिलीवरी के बाद भी होती है, क्योंकि डिलीवरी के समय में जब बच्चा निकलता है और रहता है तो प्रेशर पड़ने के कारण से पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो इसमें शुरू में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेकर के और यदि कब्ज निवारण का ध्यान रखा जाए तो ऑपरेशन को टाला जा सकता है। लेकिन यदि दर्द और ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि पाइल्स के कारण ब्लीडिंग हो करके कई मरीज हमारे यहाँ पर 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन की स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो वह बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। पाइल्स की वैसे 4 ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड जब वो छोटे होते हैं, सेकंड ग्रेड जब वो थोड़े फूल जाते हैं, थर्ड ग्रेड में बाहर निकल जाते हैं लेकिन हाथ से दबाने पर अंदर चले जाते हैं, फोर्थ ग्रेड में वो बाहर ही रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश मरीज जो हमारे पास आते हैं उसमें ग्रेड 4 ही मरीज आता है, और ग्रेड 4 के कारण कई बार तो पेशाब तक रुक जाता है। तो इन परिस्थितियों में हमारे यहाँ पर पाइल्स के मरीज आते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने शरीर में यदि शौच के स्थान के आसपास यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो, लंबे समय से हो, दर्द हो, ब्लीडिंग हो, तो तुरंत सर्जन को ही दिखाएं और सर्जन को दिखा करके उसका निवारण करके और तुरंत ऑपरेशन कराएं। धन्यवाद।